का नाम मिक्रोइडी है, ये छोटी बच्चे की कहानी है। नहीं, आज मैं दादी माँ बनूंगी, रीमा ने झुंझलाते हुए कहा। हर बार तो तुम ही लोग बनते हो, आज या तो मैं दादी माँ बनूंगी या आज के बाद तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगी, यह धमकाते हुए रीमा मुंह फुलाकर बैठ गई। दीदी बोल पड़ी, ठीक है आज रीमा ही दादी माँ बनेगी। रीमा का चेहरा खिल उठा। रीमा जट लाठी हाथ में पकड़कर दूसरा हाथ गाल पर रखकर बुढ़िया बन बैठ गई। सारे बच्चे रीमा को घेर कर गाने लगे, दादी माँ खेलने जाए। रीमा सख्ती से, नहीं बच्चों नहीं, पहले झाड़ू लगाओ। लगा दिया, खाना बनाओ। बना दिया, खिलाओ। खिला दिया, बर्तन मांजो। मांज दिया, जाओ बच्चों जाओ। बच्चे खेलने का अभिनय करने लगे। कुछ ही देर में बच्चों ने आकर रीमा को घेर लिया और गाने लगे, दादी माँ आ गए हम आ गए। आओ बच्चों आओ, इतने दिन से कहाँ थे, मामा के घर। क्या खाए, लड्डू पेड़ा, हमारे लिए गुड़। रीमा उठकर लाठी से मारने और बच्चों को पकड़ने लगी। सभी बच्चे चिढ़ाते हुए दादी के लिए गुड़ कहकर इधर उधर भागने लगे। पकड़ा पकड़ी के इस खेल में सबको बहुत मजा आ रहा था, खासकर रीमा को, जिसे बहुत दिनों बाद तथा विशेष प्रयास से इस खेल में केंद्रीय भूमिका मिली थी। उसका बालवत अपने नायकत्व को महसूस कर बड़ा हर्षित हो रहा था। वो इतनी ऊर्जा से भर गई कि एक पल में सबको पकड़ लेना चाहती थी। तभी बुआ जी ने आवाज लगाई, रीमा, अरे ओ घोड़ी, दिन भर क्या कूदती रहती है, परसा आया है, जा कल चला दे। तेजी से भागते हुए कदमों के नीचे मानो किसी ने गर्म तेल उड़ेल दिया हो, जिससे रीमा के उत्साह को फफोलों से भर दिया। रीमा रुआसी हो गई, इतने दिनों बाद आज दादी बनी अपने सबसे पसंदीदा खेल में, और बीच में बुआ बुला लिया बुआ जी ने। दीदी को तो कभी नहीं कहती, रीमा मन ही मन फंदने लगी, ऐसे हर काम के लिए मुझे बुलाते हैं। कूड़ा फेंकना हो तो रीमा, फारस के आने पर घर चलाना हो तो रीमा, सारे मुश्किल कामों के लिए रीमा ही आ जाती है। ऊपर से सख्त हिदायत, पारस से दो हाथ दूर रहकर कल चलाना है। गलती से छू जाने पर कभी दादी तो कभी बुआ जी डांटती है, कभी कभी तो दो चार जड़ भी देती है। कहती है परसा डोम है, उससे दे नहीं सकना, नहीं तो शैम्पू करके नहाना पड़ेगा, और न जाने कैसे पर हर इतवार को गलती से पारस से रीमा का शरीर छू जाता है, और दीदी जाकर चुगली लगाती है, दादी माँ से मार पड़ती है, नहाना भी पड़ता है। रीमा को समझ नहीं आता, जब दीदी इतनी समझदार है तो उसे क्यों नहीं भेजा जाता कल चलाने के लिए, हर बार मुझे ही क्यों कहते हैं इस काम के लिए, जबकि हर बार वह गलती करती ही है। कल इतना भारी है कि उसे काफी जोर लगाना पड़ता है, कूद कूद कर चलाते हुए हर इतवार को पूछती है कितना डब्बा भरना पड़ेगा, और पारस हर बार मुस्कुराते हुए कहता है बबी 6 डब्बा, 3 डब्बा बाहरी, 3 डब्बा भीतरी। वह सोचती है दो दो पखाना करके जरूरत ही क्या है, सामने हजामों के यहाँ तो एक भी नहीं है। बबीता, ममता, उसकी माई और भाभी तो रोज शाम में अंधेरा होने पर खेत में जाती है, उसे भी तो खेत में जाने में कितना मजा आता है, पर घर में पता चलने पर मार पड़ती है। कभी कभी वह दीदी के साथ छिप कर खेत में जाती है, खेत के पास ही एक घना बगीचा है, वह वहां जाकर दोनों आम के पेड़ पर चढ़ जाती है और उसकी डाल पर बैठ कर पखाना करती है। थप थप की आवाज के साथ पखाना नीचे चपटा होता जाता है। रीमा इसे बंदर स्टाइल पखाना कहती है, नीचे आकर मिट्टी से ढक देती है। इस बंदर स्टाइल में रीमा और दीदी को बड़ा मजा आता है। बबी अब तक का सरफ मिली आवाज सुनते ही रीमा का ध्यान भंग हुआ, कब से सोचे जा रही थी और पारस के डब्बा आगे करने पर कल चला रही थी। रीमा खुश हो गई कि आज 6 डब्बा पानी कब भरवा दिया पता भी नहीं चला। वह दौड़ते हुए आंगन में गई और सर्फ लेकर आई। पारस के हाथ में सर्फ देते समय आज उसे बदमाशी सूझी, उसने जानबूझकर पारस के हाथ को छू लिया। चोर नजरों से इधर उधर देखकर निश्चिंत हो गई कि किसी ने नहीं देखा, तो एक बार फिर पारस से अपना देह रगड़ते हुए अंदर आ गई। अब नहाना भी नहीं पड़ेगा और सबको छू छू कर भ्रष्ट करूंगी, रोज मुझी से हर मुश्किल काम करवाते हैं, अब आएगा मजा। रीमा ने कल चलाकर पारस का हाथ पैर धुलवा दिया और घर के अंदर आ गई। दादी हर बार की तरह रात की 2 रोटी पर गुड़ का ढेला और नींबू का अचार रखकर पारस के पास आई और ऊपर से पारस के हाथ पर छोड़ दिया। रीमा को दुख होता है कि सब्जी होते हुए भी दादी बासी रोटी पर गुड़ ही रखती है, सप्ताह में एक दिन तो आता है और एक दिन भी सब्जी नहीं ले सकती, खूब कंजूस बुढ़िया। रीमा मन ही मन खुश है, सोच रही है आज सबको छू कर डोम बनाऊंगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। चाचा जी को तो मैं जरूर छू लूंगी और उन्हें भ्रष्ट करूंगी, क्योंकि एक इतवार चाचा ने इसलिए थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि रीमा ने पारस को चाचा कहा था, पारस काफी धुन है।
काफी उम्र का है और रीमा को औरों की तरह पारस को परसा कहने में झिझक होती है। एक एक करके पापा, माँ, चाचा, चाची, बुआ जी, दादाजी, दादी, दीदी सबको रीमा छू छू कर ब्रश करती गई और एक अजीब संतोष महसूस करती गई। अब से हर इतवार को मैं ही जाऊंगी घर चलाने, अब किसी न किसी बहाने उसकी देह से छू जाऊंगी और फिर घर में सबको ब्रश करूंगी। रात में सोचते हुए बस सो गई। सुबह जबकर तैयार होकर दीदी के साथ स्कूल जाने लगी तो माँ ने टिफिन थैले में डाल दिया। रीमा रास्ते पर मन ही मन मुस्कुराते हुए चल रही थी। क्यों इतना मुस्की छाड़ रही है, दीदी ने पूछा। बताओ, रीमा चहकी। हाँ बता ना, दीदी उतावली होगी। मुझे 5 रुपए का सिक्का मिला आज, गुल्लक में डाल दिया मैंने, पारस वाली बात नहीं बताते हुए झूठ बोला रीमा ने और मन ही मन बोली, चुगलखोर है, बता दूंगी तो पूरे घर में सबसे मार पड़वाएगी, बस इसी के लिए इतनी खुश है बुद्धू, दीदी बहन से हंसने लगी। हो तो रीमा मन में गुदगुदाई। आज अपने लिए बुद्धू सुनकर उसे ग्लानि नहीं बल्कि गर्व हो रहा था। वो अपने तरीके से सबसे बदला ले चुकी थी। इतने में स्कूल आ गया। पानी की छुट्टी हुई तो रोज की तरह रीमा और उसकी पक्की सहेली बगुंती खाने बैठे। बगुंती आज भी रुमाल में पूजा बांध रही है। रीमा मकई और चने चुन चुन कर खाने लगी और अपना टिफिन बगुंती को दे दिया। दोनों ने चौथी कक्षा में धूप काट कर पक्की दोस्ती की थी और धूप को स्कूल के पास एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। बगुंती ने कहा था, जैसे जैसे धूप बढ़ेगा हमारी दोस्ती पक्की होती जाएगी। दोनों 5वीं कक्षा में आ गए। धूप बढ़ता गया, दोस्ती पक्की होती गई। रीमा इधर आ तो, दीदी जोर से चिल्लाई। रीमा सहमते हुए उठकर दीदी के पास गई। तू अपने टिफिन में खिला रही है बगुंतिया को, कितनी बार कहा है चबारियों से दूर आकर और आज उसे अपने टिफिन में खिला दिया, चल घर पर सबको बताती हूँ। गुस्से से थपथपाई दीदी कक्षा में चली गई। लंच का समय समाप्त हो चुका था। रीमा भारी मन से अपनी कक्षा में चली गई पर छुट्टी होने तक यही सोचती रही आज कितनी मार पड़ेगी घर पर। छुट्टी होने पर आंखों में आंसू लिए रास्ते पर सोच रही थी कि सबने बताया है कि पारस डोम है, उससे सटना नहीं है, पर बगुंती तो डोम नहीं है। वह घर घर जाकर पखाना भी साफ नहीं करती, फिर टिफिन में खा लिया तो क्या हो गया। घर पर सभी ठीक ही बोलते हैं, रीमा मंद बुद्धि है, रीमा बगड़ी है, बनारस में पैदा हुई है ना, बनारसी बुद्धि है। दीदी रीमा से सिर्फ एक ही कक्षा आगे हो गए, कितनी समझदार है, पर रीमा घर में बुद्धू कहलाती है। सोचते सोचते घर आ गया। रीमा डरते हुए अंदर गई तो पता चला दीदी सबको यह बात बता चुकी, पर हैरानी हुई किसी ने मारा नहीं। दादी ने थैले से टिफिन निकालकर धोया और जलते चूल्हे पर रख दिया, फिर निकालकर बोली, हो गया शुरू। रीमा सोच में पड़ गई, अगर आग में जलाने से चीजें पवित्र हो जाती है तो क्या बगुंती के यहाँ चूल्हा नहीं है, उसके बर्तन भी तो चूल्हे पर चढ़ते हैं, पारस भी तो सर्दियों में बुरा तापता है, तो क्या उनके घरों का आग भी अछूत है। वह सोचती है लोग टोल चमार क्यों हो जाते हैं, हम में ऐसा क्या शुद्ध है जो उनके छू जाने पर नष्ट हो जाता है। दादी का कठोर लहजा कानों में पड़ा, कल से अच्छों अच्छों के साथ उठा बैठा करना। अच्छों के साथ का मतलब है पंडित, भूमिया, राजपूत लड़कियों के साथ बैठना, पर उनसे तो रीमा की भक्ति नहीं है, कारण है बगुंती के साथ रीमा की दोस्ती। रीमा के लिए यह मार से भी बड़ी सजा थी, इससे अच्छा तो होता कि थोड़ी पिटाई हो जाती, पर बगुंती के साथ नहीं रहना है कल से, यह सोचकर ही उसकी आंखें भर भर जा रही थी। कितनी प्यारी है बगुंती, रोज मेरे लिए पूजा और इमली लाती है। रात में रीमा ने एक तरकीब सोच ली। अगली सुबह तैयार होकर भाग भाग कर स्कूल गई और बगुंती को एक तरफ ले जाकर कहा, आज के बाद हम दीदी के सामने बात नहीं करेंगे, जब वो अपनी कक्षा में होगी तो हम साथ होंगे और कक्षा से बाहर निकलेगी तो दूर दूर होंगे। बगुंती ने हाँ में भर दिया। रात में सोते हुए निश्चय किया, इतवार आने दो, फिर सबको टोंग बनाऊंगी। अगले दिन स्कूल से आकर रीमा दीदी के साथ खाना खा रही थी। आंगन में दादी, बुआ, माँ सभी बातें कर रहे थे, तभी धड़ाम थप थप की आवाज से सभी चौंक गए। रीमा भागकर कमरे की खिड़की पर गई तो देखा कि पखाना के हौज में एक भैंस गिर गई है और एक लड़का जो रीमा से थोड़ा बड़ा है भैंस की गर्दन की रस्सी थामे इधर उधर बेचारगी से देख रहा है। रीमा ने सबको आवाज लगा लगा कर खिड़की पर बुलाया। माँ लगभग चीखते हुए बोली, हे राम भैया, भैंसिया तो कुंभ में धस गई है, कोई मदद करो लड़के की, नहीं तो भैंस मर जाएगी। तभी दादी का कठोर लहजा गूंजा, हो गया नुकसान, भैंस मरे या जिए अपनी बला से, खर्च तो बढ़ा दिया। दरअसल घर के पीछे एक बड़ा सा हौज बना है जिसमें दोनों पखाना घर का पखाना गिरता है। हौज के ऊपर सीमेंट का ढक्कन लगा है जो काफी समय से जर्जर हो चुका था और आसपास के घास फूस और जंगली पौधों के बड़े होने से हौज छूट गया था।
गांव के आदर टोले का यह लड़का रोज अपनी भैंस चराने आता है इधर। आज उसकी भैंस घास फूस से ढके हौज पर चढ़ गई और उसके चढ़ते ही हौज का ढक्कन भरभरा कर टूटा और भैंस कब से अंदर जा गिरी। भैंस अपनी गर्दन को हौज के बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। खिड़की पर यह तमाशा सब देख रहे थे। तभी लड़का गिड़गिड़ाया, मलकीनी एगो लाठी और ये एगो रस्सी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हुई। माँ ने आदेश दिया, रीमा भाग कर रस्सी लाठी तो दे आओ उसे। रीमा दौड़कर आंगन में गई, रस्सी और द्वार पर से लाठी ले जाकर लड़के को दे आई। लड़के ने रस्सी के एक छोर को भैंस के गर्दन में बांधा और दूसरे छोर को तानते हुए पास के शीशम के पेड़ से बांध दिया। फिर लाठी को भैंस के पेट में कोच कोच कर उठाने लगा और ऊपर खींचने लगा। भैंस की आंखें दर्द से बाहर निकलने को हो रही थी। काफी कोशिश करके भी भैंस को निकाल नहीं पाया। अंत में लाचारी से खिड़की की ओर ताकने लगा, जहां घर के सभी लोग हौज डूबने की वजह से लड़के को, उसकी जाति को, उसके बाप दादा को कोस रहे थे। तभी माँ ने कहा, जाकर कोई मदद क्यों नहीं करता? अकेले लड़के से इतनी बड़ी भैंस कैसे निकली? तरफ से और चार आदमी दूसरी तरफ से हौज के दोनों ओर खड़े हो गए और दोनों तरफ से दो दो लाठी भैंस के पेट में गड़ाकर खूब जोर लगाया और भैंस बाहर आ गई। भैंस गर्दन से लेकर टांगों तक मखाने से सनी थी। चारों तरफ दुर्गंध फैल गया। दादी ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। उसके बाद सभी आंगन में आ गए, सब चुप खामोश। माँ की उदारता, परिवार के सभी लोगों की कट्टरता, सबको पता है कौन किससे उलझे। माँ बड़बड़ाती जा रही है, नाम के पढ़े लिखे लोग हैं, अहम तो कूट कूट कर भरा है, स्कूल में मानवता का पाठ पढ़ाते हैं और यहाँ अहम अहम सिर्फ अहम, जाति का, पैसे का, शिक्षा का। दादाजी की बड़बड़ाहट, कुत्ता सियार के जैसे पैदा हो जाते हैं, जीने का कोई सौर ही नहीं। दादी, हौज तोड़ दिया, फालतू का खर्च। खैर अच्छा ही हुआ, हौज भरने ही वाला था, कुछ ही दिन बाद परसा को बुलाना पड़ता, अलग से बस सीमेंट का ढक्कन ही तो बनवाना होगा, कमजोर हो चुका था। रीमा, भैंस निकाल देंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, छू जाएगी भैंस, पखाना में डूबी हुई है ना, पखाना पारस तो पखाना अगर साफ करता है तो उससे दो हाथ की दूरी, यहाँ तो पूरी भैंस पखाने में है, इसीलिए मदद नहीं कर रहे थे। इतवार को, हर इतवार को डोम बनाऊंगी। धन्यवाद।